खुश आमदीद। वापस और बात हो रहे थे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल पे कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए नेचुरल वे से। मैंने बहुत से प्रोग्रामों में आपको कहा था कि इंसान की बॉडी, ज़िंदगी, इंसान की शख्सियत, बहुत सी चीज़ें बनती हैं उनके अपने तर्ज अमल से। इन्नमल आमालु बिल इल्म वल अदब। एक कॉल होल्ड पे हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी। मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ। मेरी कॉल अभी कट गई थी ओ डॉक्टर तो साहब जी, आपकी कॉल कट गई थी जी। बिल्कुल, आप फरमा रही थी कि कुछ से तजर्बा बता रही थी अपना। जी। मैं ये बता रही थी कि एक कुछ 3 ईयर्स पहले से मुझे प्रॉब्लम थी। पहले खुद कर चुके हैं, वैसे तो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से नहीं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत थी। मैं इसको उससे रिलेट करके बता रही हूँ कि मुझे उसके लिए खासा ट्रीटमेंट देना पड़ता था। लेकिन 3 4 दिन पहले जब ये प्रॉब्लम हुई तो मैं बड़ी परेशान भी थी। मैंने कहा कि मैं ये अपने इस खास प्रॉब्लम के लिए मैं इसको क्यों ना ट्राई करूँ। मैंने सही। लेट के डीप ब्रीदिंग की, जैसे आपने सिखाया, और फिर मैंने हीलिंग ली। लेवल 5 से, लेवल 6 से, लेवल 4 से। बस मैं ऐसे होता है कि जब मैं करना शुरू करती हूँ तो फिर 1 2 3 4 5 3 को छोड़ के बाकी सब लेवल पर बैठ गए और मैं लेटी रही। अच्छा और तकरीबन 2 घंटे के बाद जब मैं उठी हूँ तो अल्लाह के फजल करम से वो तकलीफ जो मुझे कितने कितने दिन में बिस्तर से नहीं मिलती होती थी, मैं उठी हूँ और बिल्कुल मेरा इंटरनल जो फंक्शन था वो नॉर्मल हुआ है। और बिल्कुल तकलीफ का नाम नहीं, सही वजन सही नहीं उठा पाती थी उस तकलीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक और बात सीख ली है कि जिस तरह पानी की तवानाई है, उसका जो काम है, जो आँख की तवानाई है, सूरज है, चांद है, अल्लाह पाक की जितनी ये हमें नियमतें दी हैं, इसी तरह समझा एक नियमत है। अगर बिल्कुल हमें इससे थोड़ा भी दीन हो किसी को या ज्यादा हो, ये काम करती है जिसने सीखा है और जो किसी को हीलिंग दे रहा है। लेकिन सही, एक बेसिक फर्क है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल खाना खाते हुए हम बनी रह गए कहीं और चले जाए तो हम खा तो रहे होते हैं लेकिन सही हम उसे इंजॉय नहीं कर रहे होते। हमें उसके टेस्ट का इतना पता नहीं चलेगा, जो उसके हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है साइकोलॉजिकल वो नहीं पता चलेगा, लेकिन खाना अंदर चला गया। इसी तरह समझा है मुझे, मेरा दिल और एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि इसे खुली एंजॉय करें। मुझे सही तो ये मेरी अपनी जाति फीलिंग है, मैं एंजॉय करती हूँ इसको। जब सही सही दूसरों को फीलिंग देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना जो भी हल्का हो गया, जिसम हल्का हो गया, और माशा उससे हल्केपन को मैं महसूस करती हूँ। तब मैं पूरी तवज्जो से ये करती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये काम नहीं करती, काम ही डेफिनेटली करती हूँ, माशा बगैर तवज्जो के भी करती हूँ। तवज्जो के साथ अपनी एंजॉयमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत तो मैंने अच्छी, बड़ा एक्सपीरियंस किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लगभग आपको जुदा दे, माशाल्लाह बड़ा काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत सारी शुक्रिया। चीजें भी सीखने वाली हैं जो मेरे लिए, दुआ करें कि मैं वो सब सीख सकूँ। आपसे मुस्लिम वजूहत की बिना तो मैं कदर से सीख नहीं पा रही, लेकिन इसको मैंने छोड़ा नहीं। मैं सप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बच्चों में, और हर एक बच्चे का, मेरे दोस्तों का, मेरे पेशेंट का जो एक्सपीरियंस होता है मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ उसका, कि जी इसके लिए ये किया था और ये एक्सपीरियंस हुआ। जो ब्लड प्रेशर का आप जिक्र बना रहे थे ना जी, और जी कोलेस्ट्रॉल का, एक अमूमी बिहेवियर क्या है लोगों का, जब तक मटेरियलिस्ट है ना हम लोग, बेसिकली अल्लाह जी हमें इस मटेरियलिज्म से निकाले, वो एक बर्थ में एक चीज लेते हैं, मेडिसिन किसी फॉर्म में लेते हैं, उन्हें एक तसल्ली होती है कि हमने कुछ लिया है, रिजल्ट उनको इससे भी मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे ना पूरा एतकाद नहीं रख पाते तो वह फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरा जहन कभी कभी जब परेशान होता है, लेकिन मैं उनको ना फिर डिस्टेंस हीलिंग से उनको ना हीलिंग साइन करती रहती हूँ कि इनका जो इनकी जो सोच है वो ना करे पॉजिटिव, और इससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने बड़े बड़े बच्चे जो कि बड़ा उनका ना नेगेटिव एटीट्यूड होता था, लेकिन अब मैंने ये करना शुरू कर दिया, हीलिंग देती हूँ और साथ उनको एक तरह से सजेशन देती हूँ कि बी पॉजिटिव। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल है इस पे बात करते हैं। आपने फरमाया कि ब्लड प्रेशर तो क्योर हो गया है, क्या आपने कि शुगर या कोलेस्ट्रॉल का भी किया है किसी का या? मैंने शुगर वाले एक पेशेंट को किया। मैंने जो पहले अर्ज किया ना कि शुगर वाले पेशेंट अपनी जो मेडिसिन है ना उसको वो छोड़ते नहीं है,
अपने दो पेशेंट ब्रोक ली थी, उनसे मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिसिन छोड़ेंगे तो आपको फर्क का पता चलेगा ना, एक दिन से तो फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस बात पे आते नहीं, अगर वो करें तो मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरा जो शुगर लेवल मेरा लो हो जाता था, यानी मेरा अपना जाति तौर पर मेरा शुगर लेवल लो हो जाता था, उनको वजह से लो हो गया ड्यू टू एंगजाइटी ओवरवर्क या कम नींद, जब वो ठीक हो सकता है तो एक बड़ा वो भी नहीं ठीक हो सकता। उन लोगों ने फिर वो इस तरफ वो आते नहीं है, कहते हैं हमने मेडिसिन खा लिया है सही। और इसलिए जो क्लियर कट उसकी जो मैं कहूँ कि मेरे पास तो डाटा है कि कितने लोग क्योर हुए हैं वो नहीं, क्योंकि दो लोगों ने ही मुझे दो ही पेशेंट थे तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पर मैं तो शुद्ध है ना वो मैंने नहीं किया है। और बाकी तौर पर मेरा अपना ग्लूकोज लेवल, मेरे हस्बैंड है उनका ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, वो भी मेंटल वर्क उनका ज्यादा है तो वो फिर ठीक हो जाती माशाल्लाह। बल्कि वो फासले के आउट ऑफ सिटी गए होते हैं, वहां मुझे कहेंगे कि हाँ भाई मुझे मेरी तबियत थोड़ी अफेक्ट हो रही है तो मुझे बिलिंग सेंड करो, बिल्कुल सही बात है। कोई तैयार तो हो ना, तैयार हो तो हो जाते हैं, तो कोई तैयार हो यकीन के साथ आए हैं आपके पास तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उसका तरीका इख्तियार किया कि क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने जब हीलिंग लेनी है तो इसको इतना ही आप मुकद्दस से समझें जैसे आप अपने हर फायदे के लिए एक मुकाम देते हैं ना, फायदे वाली चीज को डॉक्टर को देते हैं, उस्ताद को देते हैं, तो आप वुजू करके मेरे पास बैठा करें और दुरूद शरीफ पढ़ा करें, आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक रहेगा, आपको पता होगा कि बड़ी मेरे लिए कीमती बात होती है। देखिए ये हमें ना इस चीज की समझ नहीं आती, हमें जो चीज फ्री में मिल रही होती है हम समझते हैं कि कोई नहीं मिल रही है, हालांकि उस चीज की कदर ज्यादा होनी चाहिए। तो जो मैं इस तरह करती हूँ मेरी बात मान तो वैसे 99% मान जाते हैं कि वो इसी तरह बावजूद होकर बैठेंगे और दूसरी पढ़ेंगे, और फिर फॉरन जब वो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा चेंज फील हुआ है, दो तरह के लोग देखे हैं, एक वो जो लाइट फील करते हैं, एक वो जो हॉट फील करते हैं। वो मैंने फील किया कि जिन लोगों में नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है ना वो ज्यादा हॉट फीलिंग उनकी होती है, और फिर उसके बाद वो लाइट की तरफ आती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा बड़ी होती है वो पहले बड़ी हॉट फीलिंग होती थी। एक बच्चे ने भी मुझे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आंटी जैसे मेरा सर आपने ओवन में रख दिया। अच्छा कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग जो है ना नेगेटिव नहीं होते, वो शक होते हैं उनमें, क्योंकि हाँ, वो माशरे में इतने वो फेक फ्रॉड चीज़ें देख के तो वो शक होते हैं उन लोगों को हाँ, कि क्या है, तो शक की वजह से फिर वो शक तो आपको पता है कि एक बहुत खौफनाक चीज़ है, शक में अगर किसी चीज़ में है तो वो दिलख्वाह नताइज नहीं होती है। तो ये बात है सही जी जी सही है, आपने सही फरमाया। तो दो सेम बच्चे थे उनका थोड़ा सा स्लो लर्निंग थे जी, और मैंने स्लो लर्निंग के लिए उनकी जो मेंटल कैपेसिटी थी मैंने सोचा कि ये बेहतर होगी, और बेहतर हुई। उन दोनों बच्चों का मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक बच्चा थोड़ा सा ना घर में लाज की वजह से थोड़ा श्योर तरह की सोच थी, बारिश थी, दूसरा बच्चा वेगेंट था, केस दोनों का सेम था। जो जिस बच्चे जो वेडिंग बच्चा था उसने इसको पॉजिटिव लिया, जैसे ही उसको मैंने हिंदी दी वो लेकर देने से जाना था तो वो कहे उसने मुझे कहा कि रात से मैंने ना बच्चे बड़े दर्द जैसे कि सर में बोझ का था तो वो मैं एकदम लाइट हो गया, और दूसरे की मैंने आपको बताया ना कि बस उसने कहा कि मेरा तो सर गर्म हो गया। फिर मैंने उसे कहा कि नहीं ये शक वाली बात जो आपने सुनाया कि शक में और गैर यकीन है नहीं, इसके लिए ऐसा ना होते किसी और तरह की फीलिंग हो जाता है, उसको बदली भी होती है ना बिल्कुल। तो दोनों बच्चे सेम थे, मेरी फीलिंग्स भी सेम थी, मेरा जो उनके साथ रिलेशन था वो भी सेम था, लेकिन उनका रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट था। तो फिर जो दूसरा बच्चा है मैं उस बच्चे का खास तौर पर जिक्र करूंगी कि उस बच्चे ने इम्प्रूव किया। आज से 3 साल पहले वो बच्चा एक सेंटेंस नहीं लिख पाता था, यानी सेंटेंस कैसा जैसे कि ये टेबल है या ये मेज है ये कुर्सियां हैं उसको है और हैं का फर्क नहीं पता था। तो अब इस जो प्रोसीजर है उसको हीलिंग का, इससे मैंने फील किया कि वो कॉन्फिडेंस और अभी भी कमजोरी है, पूरी तो नहीं होगी
लेकिन वो कॉन्फिडेंट हो गया है, रीडिंग फ्लुएंट हो गई है, सेंटेंसेस लिखना शुरू हो गया है। वो जो बच्चा बात नहीं करता था, माशाल्लाह उसमें बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, और उसके घर वाले बड़े, हालांकि उन्होंने मैंने बहुत डिटेल से नहीं बताया, आज वो बताना शुरू किया, लेकिन उनको रिजल्ट मिलने शुरू हुए। ये मैं कहती हूँ, और वेयर आज उसी बच्चे की माँ बहुत सारी मुश्किल का और घरेलू की तरह के वो मामला का शिकार थी, तो वो उनकी सेम फीलिंग थी। वो इतनी बड़ी अपसेट थी, मैंने उनको हीलिंग दी तो उन्होंने कहा मेरे को तो ठीक ही है, मैंने कहा आप नहीं बैठ गए। फिर मैंने उनको दोबारा हीलिंग दी, कहती हैं हाँ अब मैं लाइट हूँ। मैंने कहा कोई काम जब कोई आपकी भलाई के लिए करता होता है ना, उसका मुफाद भी होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव दिया करेंगे, और पॉजिटिव देंगी तो आपको असर होगा। हम खुराक भी अगर तवज्जो से ना कहें, शक में खाएं, हमें तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वो हमारे जिसम को अच्छा नहीं असर देगी। तो फिर कहिए तो एक अल्लाह पाक ने बड़ी नेमत दी है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने दोबारा याद किए, बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे, इसकी वजह से इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, बात हो रही थे इस पे कि बड़े अच्छे डॉक्टर साहब बड़े अच्छी बातें कर रहे थे, चूँकि आवाज़ का थोड़ा मसला है, वही उस वजह से ड्रॉप करना पड़ा, वरना बड़े अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा तवज्जो, क्योंकि ज़्यादा जब चीज़ की समझ नहीं आता है वो तवज्जो नहीं बनता है, तो इसलिए तवज्जो जो है ना वो होता है जब क्लियरिटी होता है हर चीज़ को। अगला प्रोग्राम मेरे गोल्स पे होगा इंशाल्लाह, आप देख लेना कि गोल्स, फ्यूचर गोल सेटिंग्स उस पे होगा कि हमारी तवज्जो कैसे काम करते हैं, और जब तवज्जो नहीं होता है, कोई चीज़ की समझ नहीं आता है, क्लियरिटी नहीं होता है, तो वो फिर नहीं, तो इसलिए मुझे आवाज़ सही नहीं आ रहा था। अब भी आप फोकस्ड रहें, जो आपको प्रॉब्लम है या आपके इर्द गिर्द किसी को भी प्रॉब्लम है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस पे, इसके पे फोकस रहें कि इसका इलाज ढूँढने का, मसला तो है वो तो कबूल कर लें, लेकिन इलाज ढूंढने का उस पर फोकस रहें, कहीं ना कहीं से आपके माइंड में कोई ना कोई समझ आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका कोई इलाज अल्लाह ने लिखा होगा। एक कॉल होल्ड पे है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मिसेस सलीम बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे भी महसूस हो रहा है कि काफी टाइम गुजर गया, मेरी आपसे बात नहीं हुई है। जी जी बिल्कुल, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा जी जी नए मौजूद पे बात करने, नए लोगों से बात करने। बहुत अच्छी बात है, आज का मौजूद जो के मुताबिक बात करेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन कैसे, नेचुरल वे कोई तरीका बता सकती है आप? डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रोल की जो बीमारी होती है वो तो इससे होती है, कैलोरीज, जो कैलोरीज वाली चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उससे ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टेंशन है आजकल दुनिया में, जिससे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो इन चीजों से बीमारियों में काफी इजाफा होने लगा, और एक बीमारी होती है तो मजीद बीमारियां हमें घेर लेती है। हाँ नहीं, हम किस तरह के, वो तो ठीक है, मसला है सबको पता है, हमने कोई नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, कोई नेचुरल तरीका, नेचुरल जो चीजें हैं इसको, इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, खाने पीने की अगर चीजें हैं, नेचुरल जो सब्जियां हैं, सैलड हैं। अच्छा, वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energy Samda and our most successful formula HMN. Allah Taala ne aise jismani aur nafsiyati
बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाए तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल्द साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग .com।